हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीखो सीए स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज आल्सो अ रेलेवेंट टॉपिक फॉर प्रैक्टिकल लाइफ एज वेल एज इन एग्जाम। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस। ये क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है एंड फंक्शन ऑफ चूजिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से हमने एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को चूज करना है, जिसको हम बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। हमारे पास काफ़ी अल्टरनेटिव्स हैं, जिसमें से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे। ये डिसीजन क्या कहलाती है? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एग्जांपल, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री ने इन्वेस्ट करा था जियो के अंदर 15 लाख करोड़। फिर फेसबुक एक्वायर द स्टेक ऑफ जियो 9.99% एट द रेट $5.7 बिलियन का, जो कि मोस्ट हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है इन टेलीकॉम इंडस्ट्री अब तक की। फिर फेसबुक आल्सो एक्वायर दी व्हाट्सएप इन 19 बिलियन। ये भी एक बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग थी फेसबुक के कंपनी के द्वारा। फिर डिसीजन में भी रिलेटेड टू जनरल डे टू डे ऑपरेशन और डेली ऑपरेशन। फिर दे मे बी मेजर और माइनर, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस टेकन, मतलब कॉन्शियसली टेकन और सबकॉन्शियसली टेकन, एंड कैन बी इंडिविजुअल और ग्रुप डिसीजन। कॉन्शियस डिसीजन भी हो सकती है, सबकॉन्शियसली टेकन भी हो सकती है डिसीजन, एंड इट कैन बी इंडिविजुअल, मतलब टेकन फॉर बाय एन इंडिविजुअल, और ग्रुप डिसीजन भी हो सकते हैं बाय अ ग्रुप। ठीक है, दे मे ऑल्सो बी स्ट्रेटेजिक इन नेचर। ये क्या हो सकते हैं? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर नीडेड इन रनिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज अचीविंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। हमें अपना डे टू डे ऑपरेशन अगर रन करना है अच्छे से, तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेनी पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, जो कि हमें हेल्प करता है फॉर अचीविंग अवर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। फिर आते हैं मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर गिवन बिलो। तो मेजर डायमेंशन कौन कौन से हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेनली 6 हैं। फिर स्ट्रेटेजिक इश्यूज रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस, विच मींस टॉप मैनेजमेंट मस्ट बी फुल इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड मैनेजिंग डिसीजन। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो टॉप मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। फिर सेकंड पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन में इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज लगते हैं हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन में, सच एज 4 M's लाइक मैन पावर, मटीरियल, मशीन्स एंड मनी। स्ट्रेटेजिक इशूज आर फ्यूचर ओरिएंटेड। स्ट्रेटेजिक इशूज क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड है। पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक इशूज यूजली इफेक्ट मल्टी फंक्शंस एंड मल्टी बिजनेस ऑपरेशन, मल्टी फंक्शनल एंड मल्टी बिजनेस ऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक इशूज हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव, मतलब लंबे समय के लिए भी ये क्या इफेक्ट करते हैं हमें, लंबे समय के लिए भी क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक इशूज हमें इफेक्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक इशूज ऑल्सो कंसर्न एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है हमें स्ट्रेटेजिक इशूज। स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है। फेसबुक व्हाट्सएप मतलब ने स्वॉट एनालिसिस करा होगा डिसीजन लेते समय। फिर हाउ स्ट्रेटेजिक डिसीजन डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन कैसे डिफरेंट है बाकी डिसीजन से, जैसे जो कि हमारी रूटीन डिसीजन होती है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर डिफरेंट इन नेचर फ्रॉम अदर डिसीजन विच आर, मतलब कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो होती है हमारी टेकन एट वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग डे टू डे मतलब डेली ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डेली वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। नमस्ते बच्चा लोग।